हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर मयूर साहिता, और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, राइट है, लेफ्ट साइड है, और उसका वेट जो है अराउंड 15 ग्राम के आसपास का है। ये जो है सिचुएशन कहाँ पे है, तो एक्सटर्नल एकोस्टिक मिएटस के नीचे वाले पार्ट पे, स्टर्नोक्यूडोमास्टॉइड के एंटीरियरली और रेमस ऑफ मैंडिबल के पोस्टीरियर साइड वहां पे सिचुएटेड है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसकी बॉर्डर्स एंड सरफेसेस के बारे में। उसकी 3 बॉर्डर एंड 4 सरफेसेस है, सो लेट्स डिस्कस द बॉर्डर एंड सरफेसेस। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीरियर बॉर्डर के बारे में। जो एंटीरियर बॉर्डर जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक, वहां पे मिड के अंदर पैरोटिड डक्ट है। पोस्टीरियर बॉर्डर आपको यहाँ पे दिख रही है। वैसे तो ऊपर की जो है वो सरफेस है, जिसको सुपीरियर सरफेस या बेस बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे आ जाता है अपेक्स। अभी तक हमने जो है 2 बॉर्डर जो है वो डिस्कस किए हैं। अब जो है उसकी जो तीसरी बॉर्डर जो है वो कहाँ पे है, तो उसके लिए हम थोड़े से अंदर चले जाते हैं। तो वहां पे आपको वहां पे दिखाई देगा एक पतली सी येलो कलर की लाइन से मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो है उसकी मीडियल बॉर्डर है, और ये जो मीडियल बॉर्डर है और एंटीरियर बॉर्डर है, उन दोनों के बीच में एंटेरो मीडियल सरफेस सिचुएटेड है, एज वेल एज मीडियल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच के अंदर पोस्टीरियर मीडियल सरफेस जो है वो सिचुएटेड है। तो इस तरीके से 2 सरफेस वहाँ पे हो गई, और एक आ जाएगी यहाँ पे सुपीरियर सुपरफिशियल सरफेस, और ऊपर की जो है वो सुपीरियर सरफेस। तो इस तरीके से 4 सरफेस हो गई, एंटेरो मीडियल, पोस्टीरियर मीडियल, सुपरफिशियल एज वेल एज अ सुपीरियर। 4 सरफेसेस, 3 बॉर्डर्स। अब जो है हम उसके रिलेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। सबसे पहले रिलेशन डिस्कस करेंगे सुपरफिशियल सरफेस के, जिसमें सीन सुपरफिशियल फेशिया और उसके अंदर जो आ जाएगा पैरोटिड फेशिया, जो कि बेसिकली इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप फेशिया जो है वो बनाता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी आगे की एंटेरोमीडियल सरफेस के बारे में। तो उसके अंदर हमको याद रखना है 3 M। कौन कौन से 3 M? बाहर से अगर हम अंदर की तरफ अगर शिफ्ट होते हैं तो बाहर आ जाता है सबसे पहले मेसेटर। मेसेटर में सुपरफिशियल पार्ट है, उसका जो है वो डीप पार्ट है। उसके बाद आ जाता है रेमस ऑफ द मैंडिबल, और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मीडियल टेरिगोइड मसल, जो उसके अंदर की तरफ जो है वो आ जाता है। इस तरीके से 3 M याद रखने हैं, मेसेटर, मैंडिबल एज वेल एज मीडियल टेरिगोइड। उसकी पोस्टेरो मीडियल सरफेस के रिलेशन में हम बात करें तो पीछे के साइड स्टर्नोक्लियोडोमास्टॉइड मसल मास्टॉइड प्रोसेस हो जाएगी, वैसे वहां पे ही अंदर की साइड स्टाइलोइड प्रोसेस और स्टाइलोइड के मसल्स जो है वो सारे सिचुएटेड है पोस्टेरो मीडियल सरफेस की तरफ। अगर हम बात करें सुपीरियर सरफेस के रिलेशंस के बारे में, तो सुपीरियर सरफेस रिलेशन, जिसको हम बेस भी बोलते हैं, उसके साथ रिलेशन में क्या आ जाएगा, तो एक्सटर्नल एकोस्टिक मिएटस वो आ जाएगा, एज वेल एज वहां पे आ जाएगा TM जॉइंट वाला पार्ट। नीचे के अपेक्स वाले पार्ट के अंदर वो प्लेटिस्मा वगैरह मसल जो है उसको ओवरलैप वहां पे करते हैं। तो ये थे सारे रिलेशंस ऑफ द ऑल द सरफेसेस। अब बात करते हैं पैरोटिड डक्ट। ये थिक वॉल्ड डक्ट रहती है, 5 सेंटीमीटर जितनी लंबी है, जो जाती है आगे फॉरवर्ड, डाउनवर्ड, डिसेंड होती है, फिर यहाँ पे कौन से मसल को पियर्स करती है, बक्सनेटर मसल को वो जो है पियर्स करती है। उसके बाद अपर सेकंड मोलर टूथ, उसके वहां पे जो क्राउन है वहां से वो अंदर पियर्स करती है, और उसके बाद अंदर गम्स के अंदर अपने माउथ के अंदर ओपन हो जाती है। पैरोटिड ग्लैंड जो एक सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा फॉर्मेशन करती है, ये पैरोटिड डक्ट के द्वारा जो है वो सलाइवा उसके अंदर जाता है। ब्लड सप्लाई की बात करो, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है जो बेसिकली पोस्टेरो मीडियल सरफेस की तरफ अंदर जाती है और मेनली 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, मैक्सिलरी आर्टरी एज वेल एज द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की, जो कि उसकी टर्मिनल ब्रांचेस है। नर्व सप्लाई की बात करो तो फेशियल नर्व जो है वैसे उसके अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती है, वो 5 ब्रांचेस के अंदर। उसकी मेन नर्व सप्लाई जो है वो है ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व, जो बेसिकली उसको पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई करने का काम करती है, और पैरासिम्पेथेटिक सिक्रेटो मोटर फाइबर्स भी होते हैं। वीनस ड्रेनेज की अगर मैं बात करूं तो मेनली एक्सटर्नल जुगलर वेन के अंदर जो है वो चला जाता है। एक्सटर्नल जुगलर वेन जो है फॉर्मेशन कैसे होती है, तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन एज वेल एज रिट्रोमेंडिबुलर वेन का पोस्टीरियर पार्ट डिवाइड हो, मतलब ज्वाइन हो गया, वो फॉर्मेशन हो जाता है, उसके अंदर उसका वीनस ड्रेनेज चला जाता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की अगर मैं बात करूं तो सुपरफिशियल एंड डीप पैरोटिड नोड्स के अंदर उसका लिम्फ जाता है, जो अल्टीमेटली सर्वाइकल नोड्स के अंदर जो है वो चला जाता है।
अब डिस्कस करेंगे हम उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। पैरोटिड स्वेलिंग बड़ा ही पेनफुल होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ द पैरोटिड फेशिया। दूसरा एक कॉमन इन्फेक्शन जो पैरोटिड ग्लैंड में होता है वो है मम्स, जिसको हम बोलते हैं पैरोटाइटिस, दैट्स इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। किसी भी के पीछे अगर हम आइटिस लिखा देते हैं तो उसका वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन कॉमन है। पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जो ट्यूमर होती है मोस्टली मिक्स्ड वेराइटी ऑफ ट्यूमर होती है और वो मैलिग्नेंट में कन्वर्ट होने के भी चांसेस रहते हैं, और उसकी जो सर्जरी करके हम पैरोटिड ग्लैंड को रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं पैरोटिडेक्टॉमी। किसी के पीछे अगर हम एक्टॉमी लगा देते हैं दैट मींस कि उसको हम काट के रिमूव कर रहे हैं। ओटोमी होगा तो मींस हम जस्ट उसको ओपन कर रहे हैं, तो पैरोटिडेक्टॉमी मींस द रिमूवल ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। ये इतना आसान नहीं होता है क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर सिचुएटेड है, खास करके फेशियल नर्व, तो पेशेंट को पाल्सी होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए उसके किसी भी इंसिजन वगैरह भी हम अगर करते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल इंसिजन रखते हैं जिसको बोलते हैं हिल्टन्स मेथड। एज वेल एज पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जब कोई पस फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं पैरोटिड एब्सेस, और पैरोटिड एब्सेस जो है वो पैरोटिड डक्ट से होके माउथ के अंदर भी उसका ड्रेनेज हो सकता है, और उसको रिमूवल के लिए हमने अभी जस्ट बात की एक हॉरिजॉन्टल इंसिजन रख के ड्रेनेज करना होता है। कभी भी एब्सेस होता है इट मस्ट बी रिमूव्ड, तो उसके लिए इंसिजन एंड ड्रेनेज करना पड़ता है। तो ये था हमारा एंड ऑफ द वीडियो, आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।